नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन हेरोडर्मा के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो अपने बाद उससे मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन हेरोडर्मा गैला मास्टर के सिम्टम। यदि किसी रोगी के शरीर के अंगों में लकवा जैसी अवस्था प्रकट हो गई हो, तथा शरीर के कई अंगों में कंपन हो रही हो, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेरोडर्मा औषधि का उपयोग करना उचित होता है। हेरोडर्मा औषधि की सर्वाधिक साधारण क्रिया चूहे की आंख पर पाई गई है। इससे नेत्रगोलक अधिक प्रभावित होता है तथा कणिनिका यानी आंख की पुतली धुंधली पड़ जाती है। नेत्रगोलक के पीछे खून का दबाव पड़ने के कारण आंखें बाहर के उभर आती हैं। होम्योपैथिक सिद्धांतों के आधार पर रोगों के असंख्य रूपों में इसका उपयोग किया जाता है। जब रोगी को अधिक ठंड महसूस होती है, सिर के पिछले भाग से लेकर पैरों तक या ऊपर की ओर बढ़ती हुई ठंडी लहरें महसूस हो रही हो, तो ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। हेरोडर्मा और निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों के रोग को ठीक करने में काफी उपयोगी है, जैसे सिर से संबंधित लक्षण। रोगी को अधिक निराशा होने लगती है। रोगी निराश हो जाता है। ऐसा एहसास होता है जैसे सिर दाई ओर को गिरेगा। सिर के चारों ओर ठंडी पट्टी बंधी हो, खोपड़ी के अंदर ठंडा दबाव महसूस होता है, पलकें भारी हो जाती हैं, दाएं कान में दर्द होने लगता है और दर्द का असर सिर के पिछले भाग तक फैल जाता है तथा बाएं कान में भी दर्द होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हेरोडर्मा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे से संबंधित लक्षण। रोगी के चेहरे पर ठंडापन महसूस होता है तथा ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज चेहरे पर चल रहा हो तथा चेहरे की पेशियां अकड़ गई हों। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेरोडर्मा औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। मुंह से संबंधित लक्षण। रोगी को अपने जीभ पर ठंड महसूस होती है तथा जीभ कोमल और खुश्क हो जाती है और अधिक प्यास लगती है, खाने को निगलना कठिन हो जाता है तथा सांस ठंडी महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण यदि किसी रोगी को हो गया हो, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हेरोडर्मा औषधि का उपयोग करना लाभदायक रहता है। छाती से संबंधित लक्षण। रोगी के फेफड़ों तथा हृदय में ठंड महसूस होती है। हृदय की गति हल्की हो जाती है। अधिक मेहनत के कार्य करने पर थकावट महसूस होती है। ऐसे रोगी का उपचार करने के लिए हेरोडर्मा औषधि का उपयोग करना उचित होता है। पीठ से संबंधित लक्षण। रोगी को अपने स्कंध पलकों के आर पार ठंड महसूस होता है तथा उसके साथ ही रीढ़ की हड्डी पर जलन भी होती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेरोडर्मा औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण। रोगी के कई अंगों में कंपन होती है। हाथों के कई भागों की मांसपेशियां नीली पड़ जाती है। शरीर के कई अंगों में ठंड महसूस होती है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चल रहा है और उसके पैर सूज गए हों तथा चाल लड़खड़ाने लगती है। रोगी चलते समय अपने पैर को सामान्य स्थिति से अधिक ऊपर उठा नहीं पाता है तथा और एड़ी के जोर से जमीन पर रखता है। रोगी अपने एड़ी को जमीन पर जोर से रखता है। शरीर के कई अंग बर्फ जैसी ठंडी महसूस होती है और उनमें जलन महसूस होती है। रोगी जब अंगड़ाई लेता है तो उसके पेशियों और अंगों में दर्द कम हो जाता है।
इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण यदि रोगी को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हेलोडर्मा औषधि का उपयोग करना फायदेमंद होता है। बुखार से संबंधित लक्षण, रोगी को ठंड लगकर बुखार हो जाता है और रोगी के शरीर के कई अंगों में बर्फ जैसी ठंड महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोगी की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार के रोगी व्यक्ति का उपचार करने के लिए हेलोडर्मा औषधि का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। संबंध रिलेशन, चेचक के दाने, जीभ के नीचे भाग में छाले पड़ने, मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई हो, निगलने में कठिनाई हो रही हो, तो मुंह के अंदर लगातार लार बह रही हो, रोगी का जीभ बिछला रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों में से कोई भी लक्षण हो तो उसको ठीक करने के लिए कैम्फर तथा लैकेसिस औषधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसे ही लक्षणों को दूर करने के लिए हेलोडर्मा औषधि का भी उपयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के रोग को ठीक करने के गुणों में कैम्फर तथा लैकेसिस औषधि में की से हेलोडर्मा औषधि की तुलना कर सकते हैं। मात्रा, हेलोडर्मा औषधि की तीसवीं शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।